भाई इमरान खान के घर के बाहर ही मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता गुलाम अब्बास, वहीं उनसे अपडेट लेते हैं। गुलाम, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल तो तैनात किया गया है और अंदर की तस्वीरें आपने दिखाई हैं जहां कोई है ही नहीं, खाली दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, तो एक्शन किसके खिलाफ है, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ होने वाला है क्या एक्शन? देखिए सुमेरा, लग तो ऐसा ही रहा है कि टारगेट जो सरकार की टारगेट पे है वो इमरान खान ही है। बहरहाल अभी भी पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है, पुलिस किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही। जमान पार्क की तरफ चार रास्ते आते हैं, चारों के चारों रास्ते जो हैं वो बंद हैं और वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। आज हमें मीडिया को एक्सेस मिली थी, टीवी 9 की टीम अंदर पहुंची, हमने सारा घर छान मारा, सिर्फ कुछ कमरे, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम पत्रकार हैं, हमें नहीं पता, दो तीन कमरे थे जहाँ पे इमरान खान और उनकी पत्नी थी, वहाँ पे एक्सेस नहीं दी गई और बताया गया कि वहाँ पे महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, तो इस वजह से वहाँ नहीं, बाकी आप जहाँ पे दिल चाहे चले जाएं। तो हमने वो देखा, सारी जगह जाके सारा कुछ चेक किया, तो वहाँ पे ना तो पीटीआई का आज कोई सपोर्टर है, नॉर्मल डेज में पीटीआई के सपोर्टर्स यहाँ पे रहते हैं, आज बाहर कोई सपोर्टर भी नहीं है। आज सिर्फ घर में अगर बात की जाए तो 30 से 35 लोग हैं जो कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लोग हैं और उनके मुलाजमीन हैं। अगर पुलिस ऑपरेशन करना चाहती है तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अब अगर वो जाती है तो आगे कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, वो ऑपरेशन कर सकती है, वो इमरान खान को अरेस्ट करना चाहे तो उनको भी कर सकती है। हाँ। लेकिन इस वक्त लगता ये है कि दबाव बढ़ाया जा रहा है बस, और कॉर्डन ऑफ किया हुआ पूरे इलाके को। तो दबाव बनाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान के घर के भीतर उस बड़ी संख्या में या उसकी तुलना में तो बिल्कुल भी नहीं मौजूद है इस वक्त पीटीआई के कार्यकर्ता, लेकिन इमरान खान मौजूद है, इमरान खान, उनकी पत्नी और घर में कुछ और महिलाएं मौजूद हैं। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अभी भी वहां पर मौजूद है, देखिए पीटीआई के कार्यकर्ता, उनको हमारे हवाले कर दीजिए, इमरान खान पर फिर ये दबाव किस लिए है? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, क्या इमरान खान पर कोई एक्शन होगा, आज हो सकता है क्या ऐसा कुछ? देखिए पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि पंजाब सरकार के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस हो, हम तो अपनी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं कि हम अंदर गए हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया अंदर गया है और उन्होंने सब ने देखा है, मैं अकेले, हम अपनी टीवी 9 की बात नहीं कर रहे, सब गए हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि उनके पास हो सकता है कि इमरान खान के अपने बेडरूम में ये कहें कि हो सकता है लोगों, क्योंकि हमें बेडरूम तक तो एक्सेस नहीं थी, उनके बुशरा बीबी थी, महिलाएं थी, तो अब ये सरकार के पास कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये वही बता सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि पीटीआई के सपोर्टर्स, एक पीटीआई का सपोर्टर बाहर नहीं है, बिल्कुल वैरान पड़े हुए, खाली पड़े हुए पीटीआई के कैंप, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ, सन्नाटा है। ठीक है,